हिंदी भाषा का महत्व। हम सभी जानते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, मगर फिर ऐसा क्यों कि हम हिंदी भाषा को छोड़कर बाकी भाषाओं के ऊपर आश्रित होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए भी, यानी अपने इमोशंस को किसी दूसरों तक पहुँचाने के लिए, उन्हें समझाने के लिए भी हमें हिंदी से हटकर बाकी भाषाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कारण है इसके पीछे? क्या ये कारण है कि वर्तमान समाज हिंदी को छोड़कर बाकी भाषा की मांग करता है, जिस कारण उस भाषा को अच्छे से समझने के लिए, उसे जानने के लिए और उसके द्वारा दूसरों को अपनी अभिव्यक्ति करने के लिए भी हम उस भाषा को अपने रोज़ाना की ज़िंदगी में इस्तेमाल करने लगे हैं? ये बात सही है कि किसी हद तक हमें बाकी भाषाओं को भी जानना और समझना चाहिए, मगर इसके साथ साथ ये बात भी न्यायोचित है कि हमें अपनी मातृभाषा को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि एक भाषा जो होती है वो किसी समाज की संस्कृति का अंग होती है, और अगर वो नष्ट हो गई तो मान लीजिए आपकी संस्कृति को खतरा है। और संस्कृति किसी भी मानव की, देश की और राष्ट्र की पहचान होती है। हमारी मातृभाषा किसी भी संस्कृति, समाज, व्यक्ति और राष्ट्र की पहचान होती है। असल में भाषा एक संस्कृति ही है, जिसके साथ, जिसके अंदर भावनाएं, विचार और सदियों के जीवन पद्धति समाई होती है। मातृभाषा ही परंपराओं और संस्कृति से जोड़े रखने के लिए एकमात्र कड़ी है, वही एकमात्र साधन है। राम राम या प्रणाम आदि संबोधन व्यक्ति को व्यक्ति और समाज से जोड़ने वाली अभिव्यक्तियाँ हैं। उदाहरण के लिए, पहले संबोधन के समय हम हाथ मिलाकर गुड मॉर्निंग नहीं करते, बल्कि हाथों को जोड़कर राम या अन्य भगवान का नाम उच्चारण करते हैं। यह नाम उच्चारण एक तरफ हमें संबंधित भगवान की विशेषता के कारण अर्जित युग युगांतर की ख्याति की याद दिलाता है, तो दूसरी तरफ राम जैसे शब्दों का उच्चारण हमारी अंतःस्रावी यानी कि एंडोक्राइन ग्रंथियों को, योग की भाषा में चक्रों को, सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। हाथ ना मिलाकर हम रोगकारी जीवाणुओं के विनिमय यानी कि आदान प्रदान से बच जाते हैं। हाल ही में स्वाइन फ्लू से बचने के लिए, अपने नागरिकों को बचाने के लिए ओबामा दंपत्ति ने हाथ मिलाने से रोकने के लिए मुट्ठी भिड़ाने यानी फिस्ट बम्प अभियान चलाया था। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने फिस्ट बम्प से भी 10% रोगाणुओं के विनिमय का खतरा बताया था, यानी हाथ जोड़ना खुद में ही श्रेष्ठ सिद्ध हो चुका है। पहले घर के बाहर स्वास्तिक बनाते थे और सुस्वागतम लिखा होता था, और अब कुत्तों से सावधान। बोविस और उनके साथी वैज्ञानिकों ने अध्ययन के बाद सिद्ध किया कि स्वास्तिक से सर्वाधिक सकारात्मक ऊर्जा निकलती है, और यह विश्व की समस्त धार्मिक और बाकी आकृतियों के मुकाबले अनेक गुना ऊर्जा देने वाली आकृति है, जिससे 1 मिलियन बोविस इकाई की ऊर्जा निकलती है। इसी तरह पहले हमारे साथ कुछ अनपेक्षित, माने न चाहा, घटित हो जाता था तो हम भगवान का नाम लेते थे, जैसे कि हाय राम या हे भगवान आदि। इस तरह हम कुछ अच्छा याद करते थे और अपेक्षा परमात्मा की कृपा पाने की होती थी, जबकि इन दिनों नया प्रचलन यानी कि न्यू ट्रेंड ये सब चला है, जिसके हिसाब से हम कहते हैं ओ शिट, यानी मानव मल। हम मानव मल को याद करते हैं। अलग शब्दों में कहें तो हम न चाहे स्थिति में अच्छा होने की आशा भगवान के बजाय मानव मल से करते हैं, यानी हम जिस बात को या जिस शब्द को याद करते हैं उसी का चित्रण हमारे मन में होने लगता है, और इसी प्रक्रिया से फिर हम जो सोचते हैं उसी को आकर्षित करते हैं। क्योंकि कोई भी विचार यदि दृढ़ यानी कि मजबूत हो जाता है तो क्रिया में आने में भी उसको देर नहीं लगती, क्योंकि हमारा मस्तिष्क उसे अत्यधिक याद करने के कारण उसका आदि हो जाता है। एक तरह से यदि देखा जाए और इस बात को अच्छे से समझा जाए तो अगर कोई मानव बार बार सकारात्मक शब्दों का उपयोग करता है तो यकीनन ही वो सकारात्मकता उसके जीवन में कहीं ना कहीं प्रभाव देगी, और उसका जीवन धीरे धीरे सकारात्मकता की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा। और यदि वही मानव बार बार नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करता है, उनका उपयोग करता है, तो उसके जीवन पर उस नकारात्मकता का प्रभाव बढ़ता जाएगा।
पश्चिमी देशों में सुबह के नमस्कार के लिए गुड मॉर्निंग शब्द का एक तरह से शुभकामना है कि आपको आज सूर्य के दर्शन हो जाए, क्योंकि कई देशों में सूर्य भगवान साल में केवल 150 से 200 दिन ही दिखाई देते हैं। इस कारण वहाँ के लगभग 20% नागरिक सर्दियों में सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर यानी सैड से ग्रस्त हो जाते हैं। हम पर तो सूर्य देव लगभग हर दिन कृपा करते हैं, हमारी मॉर्निंग तो उस दृष्टि से वैसे ही शुभ है। हाथ जोड़ने, नमन और झुकने की अपनी वैज्ञानिकता है, अर्थात यानी एक भाषा के नष्ट होने का अर्थ संस्कृति, विचार और एक जीवन पद्धति का मर जाना होता है। इसलिए भाषा को बचाना ज़रूरी है, इसे फौरी तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए। भारतीय भाषा की वैज्ञानिकता भी है। फ्लोरिडा स्थित विश्वविद्यालय ने बताया कि देवनागरी ऐसी भाषा है जिसमें जीभ के सभी स्नायुओं का उपयोग होता है, रक्त संचार बढ़ता है, मस्तिष्क शांत होता है यानी कि माइंड रिलैक्स हो जाता है, मस्तिष्क की क्रियाशीलता और स्फूर्ति बेहतर होती है। इसके अलावा रोग रोधक शक्ति का भी विकास होता है यानी बीमारियों से बचाव भी, और रोग हो जाए तो उनसे रक्षा भी। नेशनल ब्रेन सेंटर में संपन्न एक वैज्ञानिक अध्ययन के हिसाब से हिंदी भाषा पढ़ते लिखते समय मस्तिष्क यानी कि दिमाग के दोनों तरफ के गोलार्ध यानी लेफ्ट और राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन सक्रिय यानी एक्टिव होते हैं, जबकि अंग्रेजी पढ़ते समय केवल बायां यानी कि लेफ्ट ही जागता है। ये वैज्ञानिक मत है कि जो बायां यानी कि लेफ्ट हमारा ब्रेन है, लेफ्ट मस्तिष्क है, वो तर्क विश्लेषण, खंड खंड दृष्टि और गणित से संबद्ध है, और दायां यानी कि राइट वो आत्मीयता, भावना, संवेदना, कला, दया, ममता और करुणा को समग्रता से देखता है यानी उसको पूरे तरीके से देखता है। यानी कि हमारे जीवन को अच्छे से चलाने के लिए और समझने के लिए तर्क विश्लेषण और खंड खंड दृष्टि की आवश्यकता तो है, मगर साथ में ही अगर हम उस बात को लागू करना चाहते हैं तो हमें उसमें आत्मीयता, भावना, संवेदना, दया, क्षमा, ममता, करुणा इन सब की भी काफ़ी ज़रूरत है। इन बातों से अनुमान लगाया जा सकता है कि हिंदी भाषा पढ़ने वाले व्यक्ति का विकास संतुलित रूप से होगा, इसकी संभावना अलग रहती है। ये बात 100% सही है कि तर्क और गणित यानी आवश्यकता और उपयोगिता प्रधान व्यक्ति दया, ममता, करुणा आदि गुणों से इन सब से दूर रहता है और उत्तर संपन्न नहीं रह पाता है। और साथ ही जो बच्चे अपनी मातृभाषा में ठोस आधार लेकर आते हैं वो दूसरी भाषा में भी बेहतर योग्यता प्राप्त करते हैं, क्योंकि जो भी बच्चे अपने आसपास और घर के वातावरण से सीखते हैं वो ज्ञान, वो अवधारणाएं और वो कौशल अन्य भाषा भी सहज से सीख जाते हैं, क्योंकि मातृभाषा कोई भी व्यक्ति सहजता से अपने परिवेश में से ग्रहण करता है, और उसे अगर हर एक प्रतीक को जानने और समझाने के लिए सटीक शब्द आते हैं तो उसका तार्किक और संवेगात्मक विकास पूर्ण रूप से हो पाएगा। क्योंकि प्राकृतिक रूप से भी मानव किसी बात को याद रखने के लिए उससे जुड़े शब्द और ध्वनि को पहले अपनी बुद्धि द्वारा स्मरण करता है, क्योंकि मातृभाषा हमारे परिवेश से हमें मिली है, इसी कारण हम भावनात्मक रूप से भी उसे इस्तेमाल करके विकसित हो सकते हैं। दिव्य सृजन के इस चैनल पर भारतीय दर्शन शास्त्र, योग, अध्यात्म और आयुर्वेद जैसे मानव कल्याणकारी विषयों पर चर्चा होती है, अतः इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके इसे आगे बढ़ाने में सहयोग करें। बेल आइकन टच करके हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशंस में प्राप्त करें, और कमेंट करके आप इन विषयों पर अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद। दिव्य सृजन के इस चैनल पर भारतीय दर्शन शास्त्र, योग, अध्यात्म और आयुर्वेद जैसे मानव कल्याणकारी विषयों पर चर्चा होती है, अतः इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके इसे आगे बढ़ाने में सहयोग करें।
बेल आइकन टच करके हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशंस में प्राप्त करें, और कमेंट करके आप इन विषयों पर अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।